वेलकम डियर स्टूडेंट्स टू द ऑनलाइन क्लासेस ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल इंग्लिश मीडियम स्कूल यावल. माय नेम इज कामिनी बोंडे. टुडे वी आर गोइंग टू लर्न स्टैंडर्ड फिफ्थ सब्जेक्ट ईवीएस वन लेसन नंबर थ्री द अर्थ एंड इट्स लिविंग वर्ल्ड. चलो बच्चों, हमने पार्ट वन के वीडियो में इस लेसन के कुछ टॉपिक्स देखे थे, याद होंगे आपको. ठीक है, अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक है द एटमॉस्फेयर. द एनवलप ऑफ एयर अराउंड द अर्थ इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर. एज वी गो हायर फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ द एयर इन द एटमॉस्फेयर बिकम्स रेयर. द एटमॉस्फेयर कंसिस्ट ऑफ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस नेमली नाइट्रोजन ऑक्सीजन वाटर वेपर एंड कार्बन डाइऑक्साइड. देर आर सम अदर गैसेस टू इन द एयर इन वेरी स्मॉल क्वांटिटीज. अभी देखो, अर्थ के आजू बाजू में जो भी एनवलप बना है अर्थ के ऊपर, उसे कहते हैं एटमॉस्फेयर. जैसे जैसे हम लोग हायर जगह पे जाते हैं अर्थ के, तो वहाँ पर जो एटमॉस्फेयर होता है वो कम कम होते जाता. तो एयर में देखो मिक्सचर ऑफ गैसेस होते हैं. कौन कौन से गैसेस होते हैं फिर हमें दिया है यहाँ पे, नाइट्रोजन ऑक्सीजन वाटर वेपर और कार्बन डाइऑक्साइड. और भी कुछ गैसेस होते हैं जो बहुत ही कम क्वांटिटीज़ में रहते हैं. अभी नेक्स्ट, द लेयर्स ऑफ द एटमोसफियर आर नेम्ड एज द ट्रोपोस्फियर स्ट्रेटोस्फियर मेसोस्फियर आयनोस्फियर एंड एक्सोस्फियर. द लेयर दैट एक्सटेंड्स फ्रॉम द अर्थ सरफेस टू अ हाई ऑफ अबाउट 13 किलोमीटर इज कॉल्ड द ट्रोपोस्फियर. द कंडीशंस इन द ट्रोपोस्फियर चेंज कंटिन्यूसली. दे अफेक्ट द लिविंग वर्ल्ड टू अ ग्रेट एक्सटेंट. देखो अभी यहाँ पे हमें एक पिक्चर दिया हुआ है, दिखाई दे रहा है आपको. इस पिक्चर में आपको देखना है, यहाँ पे देखो ये जो पिक्चर है ये स्फीयर ऑफ अर्थ का पिक्चर है. अभी सबसे पहले देखो यहाँ पे चित्र में देखो, ये ट्रोपोस्फियर है, उसके ऊपर स्ट्रेटोस्फियर है, अभी ये है मेसोस्फियर और ऊपर देखो यहाँ पे ये है आयनोस्फीयर, दिखाई दे रहा है आपको. तो सबसे ऊपर देखो यहाँ पे ये क्या है, एक्सोस्फीयर. समझ में आ रहा है आपको? ओके. अभी अर्थ के ऊपर देखो यहाँ पे ये अर्थ दिखाई दे रही है हमें, इसके अर्थ के ऊपर 13 किलोमीटर से ट्रोपोस्फियर स्टार्ट हो जाता है. देखो यहाँ पे अर्थ के ऊपर ये जो ट्रोपोस्फियर है ये 13 किलोमीटर से स्टार्ट हो जाता है. ट्रोपोस्फियर में कंटिन्यूस चेंज होते रहते हैं. ये जो चेंजेस है जो ट्रोपोस्फियर में होते हैं वो हमारे अर्थ पर इफेक्ट करते हैं. नेक्स्ट,
The surface of the earth gets heated due to the heat it receives from the sun. Hence, the air nearest the surface is the hottest. As we go higher in the troposphere, it becomes cooler. देखो, अर्थ का सरफेस सन की वजह से गर्म होता है, इसके लिए अर्थ के नज़दीक का जो सरफेस है वहाँ गर्म हवा रहती है। अभी ट्रोपोस्फीयर के ऊपर हम अगर जाएंगे तो हमें वहाँ पे ठंडा लगेगा। देन ऑलमोस्ट ऑल द वाटर वेपर इन द एटमोस्फियर इज कंटेंट इन द ट्रोपोस्फियर, दैट इज वाई ऑल वेदर रिलेटेड फेनोमिना सच एज फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स, रेन, फॉग, विंड्स एंड स्टॉर्म्स टेक प्लेस इन द ट्रोपोस्फियर। अभी देखो, सबसे ज़्यादा वाटर वेपर ट्रोपोस्फीयर में होता है, इस वजह से ट्रोपोस्फीयर में भी चेंजेस होता है, क्योंकि वहाँ पर क्लाउड्स होते हैं, बादल जमा होते हैं, बारिश आती है, हवा तूफान भी आते हैं। द एयर ऑन हाई माउंटेन्स इज रेयर देन द एयर नियर द अर्थ सरफेस। एरोप्लेन्स फ्लाई इन द हायर पार्ट्स ऑफ द ट्रोपोस्फीयर, देयर The air is very rare. Therefore, arrangements have to be made to ensure that passengers get enough air for breathing. अर्थ से जैसे जैसे ऊपर जाएंगे हम तो हवा कम कम होती जाएंगी। अभी एरोप्लेन ट्रोपोस्फीयर से ऊपर उड़ता है, देखा है ना हमने एरोप्लेन, तो वो जो एरोप्लेन होता है वो ट्रोपोस्फीयर से भी ऊपर उड़ता है, वहाँ पर हवा बहुत कम रहती है, इसलिए एरोप्लेन में प्रॉपर हवा सब लोगों को मिलनी चाहिए, उसका अरेंजमेंट किया रहता है। देन बियॉन्ड ट्रोपोस्फीयर अप टू अ हाई ऑफ अबाउट 50 किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ इज द लेयर कॉल्ड द स्ट्रेटोस्फियर। इन द लोअर पार्ट ऑफ द स्ट्रेटोस्फियर देयर इज अ लेयर ऑफ अ गैस कॉल्ड ओजोन। देखो, और से अर्थ से 50 किलोमीटर ऊपर जाएंगे तो हमें मिलेगा स्ट्रेटोस्फियर। अभी यहाँ पे चित्र में देखो, ये जो ट्रेटोस्फियर है और सॉरी ये जो ट्रोपोस्फियर है और ये स्ट्रेटोस्फियर है, इनके बीच में एक लेयर हमें दिख रहा है ब्लू कलर का, दिखाई दे रहा है आपको ये लेयर ब्लू कलर का, तो ये जो लेयर है उस वो किसका है, क्या बोलते हैं उसको, ओजोन लेयर बोलते हैं। ये जो लेयर है वो ओजोन लेयर है। देन अल्ट्रावायलेट रेज कमिंग फ्रॉम द सन आर हार्मफुल फॉर लिविंग थिंग्स, बट द ओजोन लेयर एब्सॉर्ब्स देम एंड प्रोटेक्ट्स द लिविंग वर्ल्ड फ्रॉम दोज रेज। सन के जो रेज होते हैं अल्ट्रावायलेट रेज, ये अगर डायरेक्ट अर्थ पर गिरेंगे तो लिविंग थिंग्स के लिए बहुत हार्मफुल होते हैं ये रेज, उसके ऊपर जो ओजोन लेयर होता है वो छानने का काम वो ओजोन लेयर करता है, वो जो रेज होते हैं उनको छानने का काम ये ओजोन लेयर करता है, और इसकी वजह से हम उन रेज से
बच सकते हैं। आ रहा है समझ में आपको? अभी नेक्स्ट है यूज़ योर ब्रेन पावर। उसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, इन विच लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर डू वी सी द रेनबो। रेनबो हमें कहाँ मिलेगा? रेनबो तो रेनबो हमें ट्रोपोस्फीयर में मिलेगा। सेकंड है, माउंटेनियर्स कैरी ऑक्सीजन इन द सिलेंडर्स व्हेन दे क्लाइम माउंटेन्स दैट आर मोर देन 5000 मीटर हाई। व्हाट कुड बी द रीज़न फॉर दैट। जैसे जैसे हम लोग हाई पे जाते हैं, एयर क्या हो जाता है? तो रेयर हो जाता है। अभी यहाँ पे एक न्यू वर्ड दिया है, कंडेंसेशन। द प्रोसेस ऑफ वेपर टर्निंग इनटू वाटर ऑन कूलिंग। जो पानी की जो बाफ है उसे ठंडा करने का जो काम है उसे कहते हैं कंडेंसेशन।